नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, टीजीटी सोशल साइंस की जो आंसर की आई है असली वाली, उसमें कुछ सवालों पर आपत्ति है। तो फ्रेंड्स, किन सवालों पर आपत्ति दर्ज की है बच्चों ने? सामाजिक विज्ञान के वे आपत्ति वाले सवाल कौन से हैं, संदर्भ सहित देखें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखो, एक सवाल दोस्तों ये वाला है कि अमरावती का महास्तूप सातवाहन काल का है, क्योंकि फ्रेंड देखो, अमरावती का जो स्तूप है वो अशोक ने बनाया था और महास्तूप जो है वो सातवाहन काल में बना है, जिसे महाचेतीय कहा गया है। अशोक के समय यहाँ स्तूप बना था जो ध्वस्त हो गया था। प्रश्न में महास्तूप पूछा है जो सातवाहन काल का था, तो इसका जो संदर्भ है केसी श्रीवास्तव, पेज नंबर 912 और पेज नंबर 312 पे है। ठीक है, इस पर भी जो है आपत्ति दर्ज की गई है। एक सवाल फ्रेंड्स ये वाला है कि कहाँ से राजदूत औरंगजेब के दरबार में आया? इसका उत्तर फारस सही होगा, जैसा कि बच्चों ने बताया है। ठीक है, और इसका जो संदर्भ है हरिश्चंद्र वर्मा भाग 2 दिल्ली विश्वविद्यालय, पेज नंबर 202-203। देखो, ये जो है संदर्भ भी है साथ में, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है मक्का लगा गए थे, फारस उसका सही हो जाएगा। एक सवाल पर आपत्ति ये है कि सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को शेरशाह ने स्थापित किया था न कि जहांगीर ने? इसका जो संदर्भ है हरिश्चंद्र वर्मा भाग 2 दिल्ली विश्वविद्यालय, पेज नंबर 449-450 और पेज नंबर 29 पर है, और डॉक्टर लईक अहमद पेज नंबर 53 पर है, मध्यकालीन भारत पर है। फ्रेंड्स, एक सवाल ये वाला है कि टीपू मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ? यह प्रश्न तकनीकी रूप से बिल्कुल गलत है। दोस्तों देखो, जो आंसर आया है कि क्योंकि जब टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, तो सहायक संधि कब स्वीकार कर ली? दोस्तों बिल्कुल देखो, इसमें कोई दोराय नहीं है कि जब जिस इंसान ने वो युद्ध करता हुआ मर गया, तो फ्रेंड्स उसके बाद वो मरने के बाद सहायक संधि कैसे स्वीकार कर लेगा, ये दिमाग से ऊपर वाली बात है। अगर फ्रेंड्स अगर बात की जाए, अगर उसने मान लिया सहायक संधि स्वीकार भी की हो, तो फ्रेंड्स मरने के बाद तो नहीं की होगी, और चौथे आंग्ल मैसूर में बिल्कुल नहीं की, तृतीय में कर सकता है अगर की होगी तो जबकि फ्रेंड्स उसने बिलजले की सभी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। इसका जो संदर्भ है, संदर्भ विद्याधर महाजन आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, और फ्रेंड्स वैसे तो ये नॉर्मल सवाल है, सभी बुक में ये दिया गया कि भाई उसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, इसलिए जो है लॉर्ड बिलजली ने उस पर आक्रमण किया था। एक सवाल ये है कि दक्कन सभा के संस्थापक, दोस्तों इस सवाल का जो सही उत्तर है वह महादेव गोविंद नाडे, जबकि दिया कुछ और गया है। ठीक है, दादा भाई नरोजी शायद, और इसका जो संदर्भ है पीजे जागीरदार प्रकाशन विभाग सूचना प्रकाशन मंत्रालय भारत सरकार में ये संदर्भ है। ठीक है फ्रेंड्स, एक सवाल ये आया है कि सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित प्रश्न, जिसका उत्तर यूपीएससी ने 1892 का एक्ट माना है, पर शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक प्लासी से विभाजन तक के अनुसार 1919 का अधिनियम सही उत्तर होगा। दोस्तों वैसे तो अगर आयोग 1919 मानता है तब भी वैसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, परंतु बच्चों ने जो है इस पर आपत्ति दर्ज की है। अब देखते हैं आयोग इन सभी उत्तर का क्या आंसर देता है फाइनल आंसर की में। तो फ्रेंड्स ये थी, अगर आपको भी लगता है कि भाई सामाजिक विज्ञान के ऊपर जो पेपर है उसमें कुछ आंसर की गलत आई है, तो दोस्तों कमेंट कर बताइएगा। ठीक
ठीक है। तो चाहे चाहे जियोग्राफी की हो, चाहे इकोनॉमिक्स की हो, चाहे सिविक्स की हो, दोस्तों बताइएगा भाई कौन कौन से सवालों पर आपत्ति दर्ज की गई है। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।